एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का मिनी ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को गंगा नदी में जो पेयर टेबल का काम हुआ है उसका मैं आप लोगों को तस्वीर दिखाने वाला हूँ, कुछ अपडेट भी देने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहे गाइस। जब मैं उठा तो ब्रश किया, ब्रश होने के बाद तैयार हुआ, उसके बाद मैं फाइनली साइट पर पहुँच गया। गाइस, जब मैं साइट पर जा रहा था तो भाई महनार वाले रोड के पास जो टोल प्लाजा का निर्माण होना है उसका काम चल रहा था। सोचा मैं आप लोगों को दिखा दूं। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, जो ग्रेडर है जो कि रेडस्टोन को लेवलिंग करने का काम यहाँ पर मेनी स्तर पे आप देख सकते हो भाई, कई लोगों का घर यहाँ पर टूटा है। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर एक घर को छू करके निकल गया, जो कि आप पूरी तरह से घर बना हुआ दिख रहे हो। उसका जो नीचे का बेस है वो आप लोगों को नजर आ रहा है। पेयर टेबल आप लोग देख रहे हो गाइस, जो बन के तैयार हो चुका है, ये 66 नंबर का पेयर टेबल है, जो कि मैं 65 नंबर पेयर टेबल के ऊपर से आप लोगों को तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो गाइस, फाइनली मैं 65 नंबर पेयर टेबल के ऊपर आ चुका हूं। जैसा कि आप देख सकते हो गाइस, पूरी तरह से ये बनके तैयार है। और सामने आप देख सकते हो गाइस, अपर पायलन का भी काम काफी तेजी से किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हो गाइस, टावर में भाई शटरिंग लगा हुआ है और ये फर्स्ट लिफ्ट कॉन्क्रीट किया जाएगा, उसके बाद फिर सरिया फिक्सिंग होने के बाद फिर सेकेंड लिफ्ट का कॉन्क्रीट किया जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को दिखेगा, सामने जो आप लोग देख रहे हो अपर पायलन, उस तरह से नजर आएगा जब ये कॉन्क्रीट हो जाएगा। तो गाइस, सामने जो आप लोग पेयर देख रहे हो ये 64 नंबर का पेयर है, जिसका काम भाई काफी तेजी से हो रहा है। अभी ये पेयर टेबल बनकर पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इसका फर्स्ट लिफ्ट कंक्रीट होगा, उसके बाद सेकेंड लिफ्ट में पेयर टेबल बनकर तैयार होगा। आप देख सकते हो पूरा टीम लगा हुआ है। गाइस, ये गंगा नदी है जो कि काफी खूबसूरत नजर आ रहा है। सुबह सुबह का टाइम है, जैसा कि आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर कुछ मछुआरे मछली भी पकड़ रहे हैं। तो गाइस, आज का जो हमारा काम है, ये ट्रांसवर्स डक्ट को जो केबल आप लोगों को दिख रहा है गाइस, अभी हम इसको क्लीन कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। WD-40 यूज़ कर रहे हैं, और WD-40 यूज़ करने के बाद उसको जो रस्ट, थोड़ा थोड़ा रस्ट है, उसको हम लोग यहाँ पर अभी क्लीन करने का काम कर रहे हैं। जब क्लीन हो जाएगा तब इसके अंदर में बेज बेयरिंग फिक्स करेंगे, उसके बाद फिर इसको स्ट्रेसिंग कर देंगे। गाइस, आपको जानकारी के लिए बता दूं, गंगा नदी में 5 पेयर टेबल बनाने का काम अभी भी बचा हुआ है। तो गाइस, कंपनी का लक्ष्य ये है कि 5 पेयर टेबल को बाढ़ आने से पहले पहले ही बना लेना है। तो गाइस, इस ब्रिज में टोटल 65 पेयर टेबल है, जिसमें से 5 पेयर टेबल बनाने का काम बचा हुआ है, बाकी के सारे पेयर टेबल भाई बना लिए गए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मिनी ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका टाइम बचाने के लिए मिनी ब्लॉग हमने स्टार्ट किया है।